नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर 4 सितंबर 2024 को पड़ रही बुधवार प्रतिपदा तिथि दोस्तों यह जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है क्योंकि यह भाद्रपद माह के दिनों में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है तो दोस्तों इस बुधवार की द्वितीय तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले उपाय को ना किया हो पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि चार सितंबर के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो पर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं देखिए यह इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है इतना महत्वपूर्ण होता है देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना सुन लेना उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है किसको करना है और कैसे करना है तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना तो दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार दिन कैसे करना है किसको करना है किस समय करना है और कहां पर करना है यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार का तो अब दोस्तों इस छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी सकता है बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के कियारे में जाकर करना है बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा होगा बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ थोड़ी देर भी हो जाए तो दस या ग्यारह बजे तक भी आप उपाय कर लेना पर बारह बजे से ज्यादा देरी ना हो ठीक है इस बात का ध्यान रखना उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के छह बजे से शुरू हो जाता है मतलब शाम के छह सौ बजे से लेकर शाम के सात बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देर होती है तो आप इस उपाय को सात बजे या आठ बजे के बीच में भी कर सकते हो मतलब शाम के छह बजे से रात आठ बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है हमारी किस्मत रूठी हुई चल रही है हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है हमारे जीवन में काम धंधे की हासिल हो पा रही है हमारे किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो पूज्य गुरु ने कहा कि जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी तरह की समस्या चल रही हो तो आपको भाद्रपद मास में पैडी डीडीए चने वाली बुद्ध द्वितीय तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें देखिए यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह भाद्रपद मास में वाली बुधवार की तिथि में ही करने हैं इस प्रतिपदा तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं तब तो पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की हासिल होगी देखिए सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है अब जानते है, गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में इस उपाय के आपको दो हरी इलायची ले लेनी है फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मड़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है देखिए इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है देखिए अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है कोई प्रतिमा है या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है कोई प्रतिमा है या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है देखिए अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 31 बार या 108 बार जितना भी आपके पास टाइम हो बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो दो हरी इलायची है उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्ध नहीं हो पा रही है दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय देखिए यह उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार प्रतिपदा तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़ आप एक टुकड़ा या दो टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है एक या दो छुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिएगा अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम ग्यारह बार या फिर अधिक से अधिक एक सौ आठ बार जाप कर लीजिए फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है शांति नहीं है आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है पूज्य गुरुजी ने कहा कि भाद्रपद मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है इसीलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनकी आराधना करते हैं तो इससे माता हमा हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है इसलिए हल्दी आपको इसे एक लोटे जल में जरूर मिलानी है तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर देखो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई एक एक रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक कैडिडी डीट मेहनत कर रहे हैं तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है या फिर यदि आपका जो व्यापार है बिजनेस है दुकान है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए देखो दोस्तों दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है केवल और केवल द्वितीय पर ही इस उपाय को किया जाता है देखिए इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सुखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है देखिए दोस्तों यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सुखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो डीडी करके इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख ouais देना है लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है देखिए गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है आपको ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी की अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी, भी अवतार उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है भाद्रपद माह में इस उपाय को करके देखना आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है को आगे आने वाले दो स्टेप आपको आगे सोच के चलना है जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए गाली ग्लॉज जरा दे दीजिए आप शांत रहिए बस दो मिनट सह लीजिए झगड़ा समाप्त हो गया अब आप कपूर के टुकड़े करिए चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े इतने छोटे छोटे हैं आपको वह दिखेंगे मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े आपके चार चार में रख दीजिए ठीक तो आपने रख दिया इसको अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिए यह हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है लड़ाई रुक सकती है और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना तो आपको बस यही काम करना है कुछ ही दिनों में आप आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है जो भी आपके घर का गुस्सेल व्यक्ति होगा ना वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा आप देखेंगे पंद्रह दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा हाँ थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में तो आप इसको करके देखिए आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा अब दूसरा जो उपाय है आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है या आप नौकरी करते हैं आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है या आपको नौकरी की खोज है नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो नौकरी नौकरी होती है उससे हमारे घर का खर्चा चलता है काम धंधा हो या नौकरी हो उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो आमदनी याठानी और आपका दो चार रुपया ज्यादा ही हो जाता हो तो आपको क्या करना है आपको करना एक कांच का कटोरी ले लीजिए कांच की कटोरी में आपको सात पीस कपूर के डाल देने हैं सात पूरे के पूरे सात। गोली कपूर की डालनी है चाहे डालिए या गोल डालिए सात आपको कपूर डाल देना है सात पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप आप जाएंगे तो आपको वह आ साइड साइज में देते हैं वह नहीं आपको फिटकरी लेनी है जैसा गुड़ होता है ना तो उस तरह का वह ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पर राशन दुकान पर मिल जाएगा दो छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का सेंधा नमक वही है जो हम वृत्त त्योहार में खाते हैं तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है आपका घर का जो नमक साधा नमक खाते हैं वह नहीं लेना है आपको यही तीन चीज ले लेना है पहला है सात पीस कपूर लेना है दूसरा दो टुकड़ा या दो टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और एक टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए छोटे छोटे स्टील का तो आप उस कटोरी कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढक देना है आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा अब आपको क्या करना है आप जहां भी कैश रखते हैं आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें यह सबके लिए एक ही चीज है जहां पर भी अपना कैश रखते हैं अगर घर में रखते हैं तो पचास तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके तो उसके समीप रखना है डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है तो आप इस जो कटोरी कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई उसके बाद आपको क्या करना है अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे दुकान में ग्राहक आते हैं तो आपका जो गला है जहां आपका कैश बॉक्स है तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए ढका हुआ है अगर खुले में रखेंगे अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है वह बहुत जल्दी उड़ जाता है खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का आप इसको चाहे तो आपका गला बड़ा है कैश बॉक्स बड़ा है तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं यह धन को खींचने का काम करता है एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है अब इसे किस दिन करना है आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है महीना चाहे कोई भी हो सावन भादो जो भी हो आपको किसी भी शनिवार को करना है किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है उसके बाद आपका जो ये कटोरी है जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है तो जब कपूर उड़ जाए उड़ जाए तब आपको क्या है फिटकरी का टुकड़ा है वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है वो इन दोनों को को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं आप देखिए हफ्ते में बदल ले या फिर पंद्रह दिन पर या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं जो डीला कपूर या डीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए अगर आपके आसपास अगर फ्लैट में आप रहते हैं शहरों में रहते हैं तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी तो आप इसे क्या कीजिए आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एक पानी एक बर्तन में पानी ले लीजिए उसमें इन दोनों को डाल दीजिए अब ये 810 घंटे में पूरा मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए खत्म हो गया और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए आप विश्वास नहीं करेंगे महीने में चार या पांच शनिवार होते हैं ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं कीजिए जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है आपका बिजनेस जहां पर भी है जहां भी आपका गल्ला है वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है एक बार करके तो देखिए आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है ठीक अब तीसरा जो उपाय है वह है आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है आप गांव में हैं शहर में हैं फ्लैट में आपका एक मुख्य दरवाजा होता है तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है करना क्या है आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है मतलब सुबह में एक पीएस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को आठ बजे नौ बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है मैक्सिमम छह तीस बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है नहा धो लीजिए फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए बस ही करना है और शाम को गोधूली बेला जब ना तो दिन रहे ना रात रहे उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा कपूर या घी का दिया दिखाएगा एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा लोहबाण का उपाय मत करिएगा क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वह रुष्ट हो जाते हैं हमारा घर छोड़ देते हैं लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है तो याद रखिए आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया बस यह उपाय आपको क्या करेगा इसका रिजल्ट आपको जानना होगा इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा अगला जो उपाय अगर आपको घर में अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे तो आपको क्या करना है प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में तब आपको इस उपाय को करना है पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में ए टू जी घर में हर कमरे में उसका का धुआं करते रहिए इस उपाय के दो लाभ है क्या क्या पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वह खुश रहेगा ही रहेगा घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है आप दो कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए स्टील का एक आता है वह भी ले लीजिए दोनों कटोरिया में दो दो पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटे दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए थका हुआ रहेगा तो वह वो लगभग आपका एक महीना आराम से चल ही जाता है पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें दो पीस नए कपूर डाल दीजिए हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है तो आपको यह उपाय कर लेना है अगला जो उपाय है जब आप रात को सोने जाएंगे जब भी आप रात को सोने जाएं, तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है ऑफिस की टेंशन बॉस की टेंशन हर तरह की टेंशन होती है दिन भर आदमी हो या औरत हो सबको टेंशन होती है जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो चाहे आपका बिजनेस ही हो आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं तो आपको रात के समय खाना पना आपने खा लिया है उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए बस उसके बाद आप सो जाइए सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी उपाय को करके देखिए अगर अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है अगर आपको अचानक धन चाहिए अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं वहां पर इसकी परमिशन होती है तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर का एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए गुलाब जल जाएगा अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए अपने घर में ही करना है इस उपाय को मंदिर में नहीं उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए इस उपाय को इस उपाय से जो है ना आपको अचानक के संजोग जाते हैं पर इस काम को आपको कंटिन्यू तैतालीस दिन तक करना है 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा आपको घट स्थापना के दिन से जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से उस दिन से 43 डेज तक यह उपाय रोज करना होगा आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट चाहे जहां से भी मिले कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है अगला जो उपाय है अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटाफटा हुआ हो कटा हुआ हो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार यह दो प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है तो आपको क्या करना है आपके घर में जहां दोष लग रहा हो वहां पर कपूर का दो टुकड़ा रख दीजिए जब वही कांच की कटोरी में आपको दो टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए से जब वह कपूर का टुकड़ा उड़ जाएगा तो उसके साथ ही साथ आपका दुख भी उड़ा ले जाएगा